Subscribe my channel and press bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? मैं सत्यम त्यागी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्यम टेक्निकल त्यागी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 15 जो है वो हमारा एक तरह से इम्पोर्टेंट और एक छोटा सा हमारा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट। यूनिट से हमारा मतलब है जो यूनिट होती है प्रेशर की, SI यूनिट अलग होती है, पास्कल अलग होती है, MM में अलग होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अपना साथ बनाए रखें। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स। किसकी यूनिट के टाइप पढ़ने वाले हैं? डिफरेंट हम यूनिट्स के पढ़ने वाले हैं प्रेशर की। प्रेशर की क्यों? क्योंकि प्रेशर की जो यूनिट है फ्लूइड मैकेनिक्स में, या हम सोम की बात कर ले तो हर जगह जो फोर्स अप्लाई होती है किसी एरिया पे उसे प्रेशर बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली, जैसा आप सभी को पता है, SI यूनिट कौन सी यूनिट? SI यूनिट प्रेशर की। SI यूनिट कौन सी है? कौन सी है? पास्कल। ठीक, तो एक पास्कल कितने बराबर होता है? यूनिट क्या पास्कल की? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारी प्रेशर की SI यूनिट है पहली, कौन सी? पास्कल। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं एक बार, ये कहता है एक पास्कल बराबर एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक बार कितने के बराबर होता है? एक बार बराबर होता है 10^5 पास्कल के। ठीक, थर्ड की बात करते हैं, एक एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना बड़ा होता है? ये होता हमारा 1.013 bar। कितना हो गया? 1.013 bar। यानी इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1.013 pascal × 10^5 pascal। इसे हम पास्कल में चेंज कर सकते हैं। ये यूनिट कन्वर्जन है एक तरह से, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो बार में भी आ सकते हैं, एटमोस्फेयर प्रेशर में आ सकते हैं। आपको पास्कल में करना होगा, सही यूनिट है एटमोस्फेयर में निकालना है तो एटमोस्फेयर में ऐसे निकालेंगे। तो अभी हम चौथी देखते हैं, एक एटमोस्फेरिक प्रेशर में कितने mm मरकरी होते हैं? 760 mm ऑफ मरकरी। ये किस में होता है हमारा? एक एटमोस्फेरिक प्रेशर में 760 mm ऑफ मरकरी होते हैं। हम फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ क्या है? 1 mm ऑफ मरकरी कितना होता है? ये कितना? रो जी एच। ठीक, रो कितना है, मतलब डेंसिटी कितनी है मरकरी की? ये 13.6 × 10^3 मल्टीप्लाई ग्रेविटेशन में फोर्स कितनी लग रही है? ग्रेविटेशन में फोर्स हमारी 9.81 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है हमें? 8 mm। अब mm में लिया तो हम इसे किस में चेंज करेंगे? मीटर में। तो 1 mm में मीटर में चेंज करने के लिए कितना होगा? 10^-3 मीटर। तो अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो सोल्व करके कितना आएगा? सोल्व करेगा 133.416 पास्कल। ठीक, अब हम देखते हैं सिक्स। सिक्स कौन सा? 1 mm ऑफ वाटर। ये क्या था हमारा? ये था हमारा अभी तक मरकरी। हम देखते हैं वाटर की वैल्यू। तो वाटर की वैल्यू आएगी 9.8 पास्कल। ठीक, सेवन कौन सी वैल्यू है हमारी? सेवन वैल्यू हमारी एक टोर। एक टोर बराबर होता है हमारा 1 mm ऑफ मरकरी। ठीक, अब ये टोर क्या होता है? ये जो टोर है ये हमारी बैरोमीटर की यूनिट है। किसकी यूनिट है हमारी? ये हमारी यूनिट है बैरोमीटर की। बैरोमीटर पर चलो इसको इस टॉपिक में कवर करवा देते हैं, क्योंकि बैरोमीटर एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है। लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट कौन सी है? सेवन। पहली, एक पास्कल बराबर होते हैं 1 N/m² जो हमारी SI यूनिट है। एक बार होता है हमारे 10^5 पास्कल। एक एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 bar के। एक एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है 760 मरकरी ऑफ Hg के, मतलब मरकरी के। और 1 mm ऑफ मरकरी होती है हमारी 133.416 पास्कल के। 1 mm ऑफ वाटर होता हमारा 9.8 पास्कल के। और एक टोर होता हमारा 1 mm ऑफ मरकरी के, जो किसकी यूनिट है? बैरोमीटर। अब बैरोमीटर क्या है? अब जरा इसे देखते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हम किसके बारे में देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं बैरोमीटर के बारे में। बैरोमीटर, तो बैरोमीटर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये जो बैरोमीटर है ये कहीं नहीं पूछा जाता, कोई टफ चीज नहीं है। लेकिन जो बैरोमीटर है ये एक छोटी सी जेनरल सी क्वेश्चन है, एक छोटी सी फॉर्मूला है या न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, ये एक छोटी सी डेफिनेशन है। क्या ये? एक डेफिनेशन है।
जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में आराम से पूछी जाती है। ऑब्जेक्ट बैरोमीटर की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑन ग्राउंड या वर सराउंड। कैसा डिवाइस है? ये एक ऐसा डिवाइस जो मेजर करता है, क्या करता है? मेजर जैसे एटमोस्फेरिक प्रेशर को। अब कैसे मेजर करता है जरा इसे समझते हैं। ये हमारा एक कंटेनर है, बैरोमीटर कुछ ऐसा बना होता है। ये क्या हमारा कंटेनर, इस कंटेनर में हमारी क्या है, मरकरी। ये हमारी मरकरी। ठीक, अब इस कंटेनर में जो हमारी मरकरी है, दूसरी साइड ये हमारा एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में भी क्या है, ये भी हमारी मरकरी है और ये भी हमारी मरकरी है। अब क्या होएगा, ये टेस्ट ट्यूब उठा के इसके ऊपर रख दी जाएगी, क्या कर दी जाएगी, इसमें डुबा दी जाएगी। अब जब इसमें डुबा दी जाएगी तो कैसे बनेगा, ये कुछ कैसे बन जाएगा, ऐसे तो आएगा, क्योंकि इसमें भी मरकरी है, इसमें भी मरकरी है, और मरकरी बहुत भारी होती है। कितनी डेंसिटी होती है मरकरी? मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये मरकरी की डेंसिटी। एक बात हमेशा रखना, जो भी हम यूनिट लिखेंगे या जो भी हम वो वैल्यू लिख देंगे उसकी हमें यूनिट जरूर लिखनी होती है हर किसी की। ठीक, तो फिर अभी हमारा बैरोमीटर बन गया। अब इससे मेजर कैसे करेंगे? ये हमारा मरकरी, लेकिन जो जगह बचेगी, ये जगह कैसे बची, जो हमारी मरकरी थी वो यहाँ तक थी, इतने में इतना हिस्सा क्या था हमारा, ये था हमारा खाली। अब जब खाली हिस्सा, जब हम अचानक से मरकरी को पलट देंगे तो खाली हिस्सा ऊपर आ जाएगा, ये होगा हमारा एब्सोल्यूट वैक्यूम। यहाँ क्या बन जाएगा हमारा, वैक्यूम, ये हमारा वैक्यूम बन जाएगा ऊपर की तरफ, और चारों तरफ क्या रहेंगी, मरकरी। अब इनसे प्रेशर कैसे नापेंगे, जब हमारे बाहर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर जब चेंज होएगा तो उसकी वजह से जो मरकरी है यहाँ जो रखी हुई है, ये भी कुछ चेंज होएंगी, ये ऊपर जाएंगी या नीचे जाएंगी, जब ऊपर नीचे जाएंगी तो इसकी वजह से ये भी ऊपर नीचे जाएंगी, तो जो स्पेस बचेगा ये खाली स्पेस इतना, ये भी या नीचे आएगा स्पेस या ऊपर जाएगा, तो इसकी वजह से हम रीडिंग से नोट कर लेंगे। ये क्या है हमारा, ये हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसकी यूनिट होती है बैरोमीटर की वन टोर, और एक टोर क्या होता है, 1 mm ऑफ मरकरी के बराबर होता है हमारा एक टोर। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आपको ये बैरोमीटर वाली वीडियो, जो यूनिट और प्रेशर की वीडियो थी, आपको समझ में आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और साथ मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं, और मेरे चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।